And the Muslim, bye-bye. Hello, guys! Welcome to Ham Vlogs. So basically, Yash... Hey, y'all, come look at this. पता ही होगा ईद है यार, ईद है और हम हिंदूस की मतलब हमको भी ईद सेलिब्रेट करनी होती है। आप मुस्लिम्स की तो मतलब ऐसे नमाज वगैरह पढ़ते हैं, तो ईद के दिन हम भी कुछ ऐसा करते हैं जो आप अभी कुछ देर में देखेंगे। मैं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा, नहीं। और इस मतलब ईद में हम मुस्लिम भाई के साथ भी मिलते जुलते भी हैं, तो इस तरह हम हिंदूस पाकिस्तान में ईद सेलिब्रेट करते हैं। और ये आप पीछे बैकग्राउंड देख रहे होंगे, ये असल में विलेज का है। किसका है? विलेज का है। तो आपको विलेज के ही शॉट्स देखने को मिलेंगे। आप अभी भी इधर खड़े हैं क्या? होगा कि हम कहाँ पर आए हैं। ऑब्वियसली हम अपने टेंपल्स पे ही आए होंगे। ईद का दिन है, लोग मस्जिदों पे जाते हैं, हम अपने ही धर्म को फॉलो करेंगे। धर्म का मतलब समझते हैं, रिलीजन, उसी के रूल्स फॉलो करेंगे। तो हम अभी आए हैं अपने हिंदू टेंपल, वहाँ पर आए हैं। तो आप पीछे का नज़ारा देख रहे होंगे, ये पानी है, इसको क्या कहते हैं कैमरा मैन, मुझे तो पता नहीं है। अगोरा, अगोरा। तो अभी कुछ बच्चे भी हैं, हमारे खुद के ही हैं, उनसे पूछते हैं कि ईद के दिन हम यहाँ पर क्यों आते हैं। अरे अबू दा पगड़ी बुदा ये स्टार लगी है, तो ईद दे दी ते ते छो इंदा हो खिलो ना एने के खबर गाना बियो बियो तो गुरे एने के खबर गाना सर एना रे बागड़ी बागड़ी तो आ टेंपल दिसो हरो ईद दी दे पाने ते छो आया हूं बच्चों को तो कुछ आ रहा ही नहीं था, तो हमने माहिरीन कलाकार को पकड़ा है जो आपको बिल्कुल तरीके से तरीका समझते हैं। वैसे एक्सप्लेन करेंगे आपको कि हम ईद के दिन पे यहाँ पर क्यों आए। तो पूछते हैं
हाँ ईद का दिन है और हम यहाँ पर क्यों आए? हम घर पे भी बैठ सकते थे, क्यों यहाँ पर क्यों आए? इसकी वजह पे इस वजह से आज ईद का दिन है, बहुत बड़ा दिन है। जैसे कि हमने सोचा हम अपने मंदिर पे जो हम जिस पे मानते हैं, वैसे ईद तो मुसलमानों के लिए होती है पर हम क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं हिंदूज? हमें अपने देखो ना, हम घर पे बैठ के कोरोना की वजह से बोर हो गए, इतने बोर हो गए थे आज। क्या हमने सोचा कि हम मंदिर वगैरह पे जाएं, विजिट करें? आज इस साल का तो कोरोना का है, पहले भी हम इसी तरह आते थे, वो आप बताएंगे। हम वैसे हमारे ईद पे कोई मतलब रेस्टोरेंट या कारोबार बिजनेस सब कुछ बंद होता है। जैसे कि मैं भी बिजनेस वाला हूँ, मेरा भी बिजनेस बंद है। मैंने बोला अभी आज निकल लूँ, विजिट कर लूँ, जैसे घूम लूँ, टाइम पास कर लूँ, या एक मिसाल टाइम पास समझ लूँ, यहाँ पे एंजॉय करने आए। ये एक तरह से आप ईदी सेलिब्रेट करने आए हैं या आप अलग से? हम ईदी सेलिब्रेट एक हिसाब से ईदी है, ईद का फेस्टिवल है, सेलिब्रेट गांव में आए, यहाँ पे आए मंदिर दो दिन, मंदिर भी। मतलब आप क्या कहना चाहेंगे, हिंदू मुस्लिम भाई भाई? कोई मसला ही नहीं, कोई मसला नहीं, भाई 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 है ना, नो मसला। अब नौजवानों की राय तो आपने जान ही ली क्या थी, अब थोड़े बुजुर्ग लोगों की मतलब राय जानते हैं ना, वो तो रोजाना आते हैं। गलत बोलता है, गलत बोलता है, हम गलत बोलता है। हाँ क्यों, ईद दिन को मुसलमान का ईद है, हिंदू का ईद नहीं है। जब आप सिंधी में बता दें, हाँ मुसलमान की ईद है, हिंदू की ईद है, कौन है जो अभी इतने साल घर मल्हा आया हो? अच्छा मतलब तुम्हारा जो हिंदू मुस्लिम भाई भाई ने भाई भाई है हाँ। पर इस हिन जगह से अभी पाँचे धर्म पति करे धर्म ही करे ते आया हो? जी 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 वो असा मानू दा, पर असा जो बा ईद जे दी असा के बियो कुछ मिलियो कंदे ता असा इत्ते अची मना इकरे तरीके दा ईद सेलिब्रेट कई, ता ताम बुदाइंदा यो असा सही कयो या असी पाजे धर्म जे हिसाब सी ब्याज ते अचो? यो सही तो कयो, पाजे घुमण आयो बार वठी फैमिली सुदो, ई सालगर करण खुशी जो दिया ईद है, ईद है मको घुमण फर्ज तव जो। बाकी असा के ऑडियंस के थोड़ा खिल भोग की जरूरत होंगी, ता कुछ खिल भोग कराइंद? हाँ साईं करायो खिल, नचायो नचायो को गाला न क्यों बोलता है तुम, क्या करेगा तुम? जाएगा हम जाएगा हम जाएगा लाहौर, हम लाहौर जाएगा। ईद मुबारक हो भाई। खैर मुबारक भाई। ता का सा इंटरव्यू उठंदा सी, ता ईद की सेलिब्रेट कर रहे हो? असा ईद में असी है ना घुमण गाए हैं, पाजे टेंपल जे गोपालपुरी आश्रम में आया हूं। ता दिसी सको ता इते पानी जो जेके असी चने अगोरो इते सनार करे सको ता, आई इते अलाई शेन फन सही। पालपुरी आश्रम किथे आ, केड़े इलाके में आ? यो थोरो थोरो बुदायो असा मानन के। ताणा अहमद खान में, उने का थोरो बाहर आ, भाई पास साइड आ, ताणा अहमद खान में आ। आई बियो तवा दे खबर, ईद में छा मिठो खादो छा न खादो? असां दा मिठाई दालाई खादी, जेकी घर में आई वा हर शे खादी। बियो दे खबर, तवा सा गड केर केर ते आयला, आई केर केर ना आयला? असां जी सजी फैमिली आयले, ता दिसी सगो दा भले एतरा मानु आयले ने, दिसो ई असां जो माइटा, ई बस असां जो माइटा। बियो दे खबर, तवा सेलिब्रेट कर रहा ईद, आई ईद तवा छो ते सेलिब्रेट करना? ईद तो मुसलमान जी हुंदी आ। ईद तो मुसलमान जी होंगी है, मुस्लिम हिंदू भाई भाई है, उन्हें में का इशू कौन है? या तवाजी राय सुठी है, मुस्लिम हिंदू भाई भाई है, पर तवा छा सोचे करे गोठ आया हूं ईद सेलिब्रेट करने केड़े हिसाब से आया ईद लांग असा इने करे आज ईद जो दिया मना का शे भी खुलल ना है एकड़ी जगह त आण केडा वने मानू घर वे बेदार थी वे इने करे मानू हले तो पाजे टेंपल में घुमण वने तो के मस्जिद में ता वने ने तुम्हारा यह सुठी राय कही ईद सेलिब्रेट करना आया हूं गोट तुम्हारा शुक्रिया अरे यार सब भाई भाई बोल रहे हैं हिंदू मुस्लिम भाई 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 पर हमारा तो धर्म तो चेंज है ये आप थोड़ा समझाएंगे हमारी ऑडियंस को हम भाई भाई क्यों बोल रहे हैं हम भाई भाई इसलिए बोल रहे हैं हमें इंसानियत है हम इंसान है हमारा मजहब बाद में पहले है इंसानियत इंसान जो है ना एक दूसरे से मिलता है क्या है इसकी देखते हैं इंसानियत में और हम एक तो आप ये भी मेरे ख्याल से कहना चाहेंगे कि हम एक ही मुल्क में पैदा हुए पाकिस्तान में पैदा हुए हैं पाकिस्तान के हैं और सिंध के हैं हम रहने वाले सिंधी हैं असल अगर में प्यार इतना अगर कल को आपको कोई मुसलमान चाटा मारे तो आप उसका रिप्लाई क्या देंगे हम उसका रिप्लाई देंगे
कोई बात नहीं, सॉरी, ठीक है, कोई मसला नहीं है, हम हिंदू और मुस्लिम भाई भाई है। तो आप यहाँ पर अपने ही टेंपल में क्यों ईद सेलिब्रेट करने आए? आप मस्जिद में भी जा सकते थे। हम मस्जिद में भी बाहर से गए थे, पर मस्जिद में एक तो नमाज होती है मुस्लिम की है, हमारे जैसे उनका खुदा एक ही है, खुदा एक ही है, हम बस यहाँ पे इंसान होते हैं जो अलग करते हैं। जैसे मुसलमान मस्जिद में जाते हैं, हम मंदिरों में आते हैं, खुदा एक ही है। मतलब आप भी ईद ही सेलिब्रेट ईद ही सेलिब्रेट करने आए हैं विलेज में, क्योंकि हमारा भी टेम्पल्स हैं। जैसे मुसलमान देखो मस्जिद में जा रहे हैं, हम यहाँ पे ईद सेलिब्रेट करने आए हैं मंदिर में। आपकी अच्छी सोच है यार, मैं आपको सैल्यूट करता हूँ यार। थैंक यू भाई, आपकी मेहरबानी, और आपका भी शुक्रिया, यहाँ पे सबके इंटरव्यू ले रहे हैं और आप मजे करवा रहे हैं सबके। थैंक यू यार। और सुनाएं, आप क्या हाल है, आपके चाले हैं, ईद कहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हो? मैं भी आपके साथ ही यहाँ पर आया हूँ, मतलब टेम्पल में। मेरी भी यही सोच है कि हम इंसान है, इंसानियत के नाते, कल को कोई मुसलमान मुझे चाटा मारता है, मैं उसका कोई रिप्लाई क्योंकि नहीं दूंगा, क्योंकि हमारे मजहब में ये कहा गया है चुप रहना एक मतलब बड़ी आदत है, जो अच्छी आदत है। इंसानियत में ऐसा होता है, ठीक है, इंसानियत सीखे फिर मजहब आता है, पहले है इंसानियत का धर्म, ये आप ठीक है। और आप सुनाएं, यहाँ पे हमारे मंदिर में क्या क्या है, इनको बताएं। वो हमने अपनी ऑडियंस को दिखा दिया, आपने पूछा, ये आपके लिए, आपका बहुत शुक्रिया। आज मैं बड़ी खुशी में हूँ, हमारे जो भाई लोग हैं, हमारे जो सारे ही हिंदूज हैं, वो मतलब एक अच्छी राय आपके सामने पेश कर रहे हैं। मतलब हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हर कोई ये कहता है, तो इस पे लड़ना नहीं चाहिए यार, ये बात अच्छी है, इनकी सोच अच्छी है। इसी तरह सब हिंदूज की सोच अच्छी रखनी चाहिए और मुस्लिम्स की भी सोच अच्छी रखनी चाहिए। हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, इसी तरह हम मुस्लिम के साथ ईद सेलिब्रेट करेंगे, पर एक तरीका है कि वो अलग तरीके से करेंगे, हम अलग तरीके से, पर दोनों ईद सेलिब्रेट करेंगे। तो इसी के साथ हमारा इंटरव्यू तो ख़त्म होता है, कुछ क्लिप्स आपको दिखाऊंगा, फिर चलते हैं घर। इसी तरह से आज का ब्लॉग हम समाप्त करता है। आपको बहुत ज़्यादा कुछ पता चल गया होगा हमारे हिंदू और मुस्लिम के रिलेशनशिप का इन पाकिस्तान। और इसी तरह से ईद की अगर नेक्स्ट ब्लॉग हमने बनाई, उसको भी इसी तरह से बड़ा प्यार देना, इसमें तो डबल प्यार देना। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और घंटा दबाना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर इतना करना, फाड़ देना।